आपके भरोसे पर खरे उतरकर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बांदा जनपद के बबेरू ब्लॉक परिसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अमृत योग सप्ताह के चलते 5वें दिन सुबह अधिकारी व कर्मचारियों सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों को योगा अभ्यास कराया गया। वहीं योगा शिक्षकों के द्वारा योगा करने के लिए अलग अलग नियम बताए गए कि योगा करने से क्या लाभ मिलता है और सभी को प्रतिदिन योगा करने के लिए जागरूक किया गया। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू ब्लॉक परिसर का है, जिसमें जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशों पर चलाए जा रहे अमृत योग सप्ताह के 5वें दिन अधिकारी व कर्मचारियों ने सुबह से योगाभ्यास कर सैकड़ों लोगों को योगा करने के लिए प्रेरित किया। योग प्रशिक्षक राजा बाबू राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बुरवल में उपस्थित लोगों को विभिन्न प्रकार के योग कराए और उनसे होने वाले शारीरिक फायदे के बारे में जानकारी दी। वहीं योगाभ्यास में उपस्थित लोगों को हमेशा योगा करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमित योगाभ्यास करने से गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण कर शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है और बताया कि योगा ही एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति निरोगी रह सकता है। सर्वप्रथम सभी अधिकारी व कर्मचारियों को योगाभ्यास कराते समय शरीर को वार्म अप करने का अभ्यास ग्रीवा चक्र, स्कंद संचालन एवं घुटना संचालन के साथ ताड़ासन, वृक्षासन आदि का अभ्यास कराया गया। वही योगा शिक्षक राजा बाबू के द्वारा बताया गया कि योगा करने से कितना लाभ है। शरीर स्वस्थ रहता है, फुर्तीला रहता है, मन मस्तिष्क भी सही रहता है, जिसमें सभी को सुबह योगा व्यायाम करना चाहिए। वही खंड विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार द्विवेदी के द्वारा जानकारी दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अमृत योग सप्ताह महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन 14 जून से 20 जून तक चलाया जा रहा है। इसके बाद 21 जून को पूरे विश्व में योगा दिवस मनाया जाएगा। उसी का रिहर्सल प्रतिदिन सुबह ब्लॉक परिसर पर एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है और लोगों को योगा के बारे में बताया जा रहा है। इस मौके पर सचिव डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अजय पटेल, सचिन सिंह, ऋतिक रोशन, अनिल कुमार मौर्य, अरविंद यादव, भवानी सिंह, शिव लाल, सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार सहित ब्लॉक के सभी अधिकारी व कर्मचारी, महिला कर्मचारी मौजूद रही। रिपोर्ट रामू तिवारी बांदा। मैं राजा बाबू, युग प्रशिक्षक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मुरवल बांदा। आज बबेरू ब्लॉक में मैंने 100 से 150 लोगों को योग का कार्यक्रम करवाया, योगाभ्यास करवाया। उनको योग से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जैसे आध्यात्मिक लाभ मिलता है, मानसिक लाभ मिलता है, सामाजिक लाभ भी मिलता है। इससे सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि कोई भी इंसान हो जो योग रेगुलर करते हैं, उनका स्वास्थ्य सही रहता है, बस उनका जो नैतिक कर्म है वो सही हो जाता है, उनका आचरण सही हो जाता है, उनका व्यवहार सही हो जाता है। और हमें लगता है कि योग को अनिवार्य विषय के रूप में हर जगह शिक्षा देनी चाहिए और सबको प्रतिदिन योग करना चाहिए। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा, उनको नित्य प्रतिदिन उठ करके सुबह और योग करना चाहिए, कम से कम आधे घंटे वो योग करें और अपने परिवार वालों को। किया जा रहा था ब्लॉक में, किस प्रकार का था और कितने? ये अमृत योग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होना है, तो उसी कड़ी में यह कार्यक्रम आयोजित था। आज एक तरीके से 21 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के एक रिहर्सल था, जो मेगा शो हमारा होने वाला है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, तो उसी की कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। योग शिविर आयोजित था जिसमें साधक लोग इकट्ठा थे, लगभग 150 के आसपास की हमारी भीड़ थी। 21 तारीख को इससे बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे विकासखंड में। 21 तारीख को जो 4 बड़े कार्यक्रम होने हैं वो तो बबेरू में है, ब्लॉक कैंपस में, इसके अलावा पेस्टा में, उमरी में और मनरेगा पार्क काली। तो इतने कार्यक्रम हमारे। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।